हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीकली मार्केट मैट्रिक्स बाय टेड्यूरा। और हमेशा की तरह हम लोग देखने वाले आने वाले वीक में 17 जनवरी टू 21 जनवरी में मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें किस तरह के मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं स्टॉक पिक्स ऑफ द वीक, ऐसे स्टॉक जो हमें हाई प्रोबेबिलिटी मूवमेंट दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से, जोन्स कौन से निफ्टी बैंक निफ्टी के, और कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपने हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस देखा होगा, काफ़ी अच्छा एनालिसिस था। अगर आपने देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड ऑल, नहीं देखे तो चलिए क्विकली एक टूर ले लेते हैं कि हमारा लास्ट वीक एनालिसिस क्या था और किस तरह से परफॉर्म किया। हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था जहां हम ग्रीन जोन के ब्रेकआउट पर ऊपर के दो लेवल टारगेट करते हैं। देखिए यहाँ बहुत आसानी से 14 जनवरी के पहले ही यहाँ पर हमारे सारे लेवल अच्छी हो गए। उसके बाद मैंने एक्सपायरी के भी कुछ लेवल्स दिए थे, वो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किए और हमें वहाँ पर भी सारे टारगेट्स मिल गए थे। तो दोस्तों ये था हमारे बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जहाँ पर हम टारगेट कर रहे थे कि इस ग्रीन जोन के ऊपर ब्रेकआउट पर हम ये लेवल्स टारगेट कर सकते हैं, नीचे हम ये लेवल, बट हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत अच्छे लेवल्स मिल गए। साथ ही साथ मैंने बताया था कि ये जो एरिया एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से कई बार हमें इस तरह के फॉल देखने को मिले और बाद में यहाँ पे इसको हम फ्लिप लेवल बोलते हैं। तो देखिए ऊपर गया और वापस से यहाँ पे फिर ऊपर जाने के लिए अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह से यहाँ पर कई अपॉर्चुनिटीज़ बनती थी। जो लोग अपने अपने तरीके से ट्रेड करते हैं, मेरा काम है आपको एनालिसिस देना। आप बहुत सारे लोग ऑप्शन करते होंगे, फ्यूचर करते होंगे, जो करते होंगे, इट्स ओके। बहुत सारे लोग इसको देखकर स्टॉक्स में ट्रेड करते होंगे, दैट इज़ अप टू यू। मैं स्पेसिफिक आपको इंडेक्स के लेवल बता रहा था यहाँ पे। अभी चलिए निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी हमारा एनालिसिस था सेम, हमारे 12 जनवरी को ही सारे टारगेट अचीव हो गए। उसके बाद मैंने एक्सपायरी के लिए अलग लेवल शेयर किए थे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप नहीं है तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और देखिए कि किस तरह से एक्सपायरी लेवल ने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। तो दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग चलते हैं चार्ट में और देखते हैं आने वाले वीक में क्या हो सकता है। और उससे भी पहले हम देख लेते हैं स्टॉक पिक्स ऑफ द वीक जो हमारे लास्ट वीक के थे। तो उसमें था सबसे पहला SRF। तो SRF में देखिए कितना बढ़िया ट्रेड था और किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला। SRF में हमारा प्लान था 2533 के ऊपर बाय करेंगे और ये हमारा 2490 स्टॉप लॉस और 2650 के आसपास हमारा टारगेट था। बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, ये देखिए पूरा टारगेट अचीव हो गया। इसके बाद हमारा था एक REC Limited ने भी एक अच्छा ट्रेड दिया था हमें। ये देखिए यहाँ पे मूवमेंट हमारा 138.30 के ऊपर बाइंग प्लान था और इसने हमें अराउंड 141.5 तक का मूवमेंट दिया। और जैसा मैं कहता हूँ 1:1 अगर मूवमेंट आ जाए तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। अभी ऑलमोस्ट 1:1 आया था, अगर नहीं भी आया था कोई बात नहीं, इसने हमें प्रॉफिट में ही क्लोजिंग दिए। एक और हमारा ट्रेड था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। देखिए तो ये जो प्लान्स होते हैं अभी कुछ ट्रेड ट्रिगर नहीं होते, दैट्स ओके, क्योंकि देखो इस तरह के प्लान बनाए जाते हैं और इस तरह हम सेफ रह सकते हैं। ये ट्रेड हमारा, ये प्लान हमारा ये था। अब अगर हमें एग्रेसिवली यहाँ कहीं भी सेल कर देते तो शायद हमें कुछ लॉस बुक करना पड़ता, राइट। बट हम ऐसे लेवल पर ट्रेड करते हैं जहाँ से उसके रिवर्सल या स्टॉप लॉस की पॉसिबिलिटी, हिट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। साथ ही साथ हमारे पास सेफ्टी मेजर क्या है, 1:1 जब मूवमेंट आ जाए तो हम स्टॉप लॉस कॉस्ट पर ट्रेल कर देते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा प्लान है और काफ़ी एक्यूरेट प्लान है, तो आपने देखा होगा। और साथ ही साथ आप जो भी हमारी अपडेट्स है टेलीग्राम चैनल में भी देख सकते हैं, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको एक्सपायरी लेवल देखने को मिलेंगे, कुछ ट्रेड अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये है, चलिए अभी चलते हैं हम लोग आने वाले वीक के एनालिसिस पर। तो आने वाले वीक में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। तो हाई लेवल पहले बात कर लेते हैं क्या चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। लास्ट वीक के एनालिसिस में हम बात कर रहे थे कि ये देखिए निफ्टी का डेली चार्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने एक यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ क्या थी, यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ क्या थी कि मार्केट को, ये मैंने बताया था एक लेवल है जो इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इससे नीचे जाता है तो एक रिटेस्ट करने भी जा सकता है, अदरवाइज ये जिस तरह से यहाँ से ये मोमेंटम आया था इसी तरह का मोमेंटम यहाँ भी कंटिन्यू कर सकता है। तो वही हुआ, लास्ट 5 डेज की कैंडल देखिए पूरे वीक में मोमेंटम बना रहा और मार्केट ऊपर की तरफ पुश करता रहा, ठीक है। तो ये हो रहा था निफ्टी में। अभी हम चलते हैं इस वीक में क्या हो सकता है और आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। अभी देखिए निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है इस लेवल से, ये देखिए ये वाला जो लेवल है यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, और रिटेस्ट करके वापस कंटिन्यू भी कर रहा है। तो हाई पॉसिबिलिटी हमें ऊपर की तरफ वापस से मोमेंटम देखने को मिले, बट हम लोग क्या करते हैं हमारे स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे आने वाले वीक का प्लान क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स क्या है, क्योंकि वो हमारे जो बखूबी काम करते हैं। एक हाई लेवल पर्सपेक्टिव होना जरूरी है जो हमारे पास है। अभी देखिए निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी का ये आप देखिए लास्ट 2 डेज का मोमेंटम बिल्कुल रेंज बाउंड। तो अभी हमारा आने वाले वीक का प्लान क्या हो सकता है, हमारे आने वाले वीक में जो हमारा ग्रीन जोन हो जाता है वो 18,270 से 18,160, सो 18,160 से लेके 18,270 और ग्रीन जोन। अगर इस जोन से हमें ऊपर ब्रेकआउट मिलता है एटलीस्ट 5 मिनट कैंडल पर हम कन्फर्मेशन के साथ, तो हम 18,340 एंड 18,440 के टारगेट लेवल टारगेट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो 18,020 एंड 17,940 के लेवल टारगेट सकते हैं। ये है हमारा निफ्टी का प्लान। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी के प्लान में और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है।
तो दोस्तों बैंक निफ्टी का सबसे पहले हाई लेवल बात कर लेते हैं। हाई लेवल क्या हो रहा है यहाँ पर डेली चार्ट में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ इस तरह की बात की थी कि ब्रेकआउट आ चुका है, मोमेंटम यहाँ पे जैसा निफ्टी ने बिहेव किया था तो इस तरह का हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं मिला, जैसे हमारा जो ग्रीन जोन होता है, अगर उसके नीचे जाएगा तो हमारे पास लेवल्स भी थे नीचे की तरफ। ओके, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ ये देखिए। बैंक निफ्टी ने क्या किया, मोमेंटम कंटिन्यू हुआ 3 दिन तक लगातार, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, उस लेवल के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिए। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बायस है। देखिए 38,370 के आसपास, ये देखिए मैंने आपको लास्ट वीक में, अगर आप वीडियो देखेंगे तो बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट दे दिया रिटेस्ट करके। ये भी आगे कंटिन्यू एक अच्छी कैंडल के साथ बोल सकते हैं कि नीचे नीचे की तरफ से रिजेक्शन आया है। तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है फिलहाल। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा प्लान है। बुलिश हो बेरिश हो हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा हमारा प्लान के अकॉर्डिंग काम होता है तो हम उस हिसाब से काम करते हैं। हमारा जब जिस तरह का मूवमेंट आता है, क्योंकि हमारे पास एक जोन होता है, अगर जोन के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हमारा बैंक निफ्टी का जोन क्या है, 38,282 लेकर से लेकर 38,490 के ऊपर हमें अगर मार्केट मिलता है तो हम 38,760 एंड 39,150 के लेवल टारगेट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर जोन का ब्रेकडाउन होता है तो वी कैन लुक फॉर 38,080 एंड 37,500 लेवल्स। ओके, अभी देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि ऊपर चला जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन में हो सकता है। पर ये किस पर डिपेंड करेगा, जो मंडे ओपनिंग होगी और ओपनिंग में क्या मूवमेंट मिलता है। अगर मार्केट ऐसा पुश डाउन करता है तो इजीली हमें सेकंड लेवल भी दे देगा यहाँ पर। ओके, तो ये देखिए ये था हमारा बैंक निफ्टी का प्लान। तो ये प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड। चलिए अभी अब चलते हैं स्टॉक पिक्स ऑफ द वीक। ओके, सो मैंने आपको लास्ट लास्ट वीक के स्टॉक पिक्स ऑफ द वीक बताया, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वहाँ पर। अभी चलते हैं स्टॉक पिक्स ऑफ द वीक में। सबसे पहला स्टॉक हमारा है PEL। PEL एक बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो इसमें और बहुत अच्छे मूवमेंट्स भी आते हैं, हमने पहले भी देखा है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स लिए हमने 2000 लेवल से 2500 लेवल तक। अभी देखिए ये 2650 के ऊपर हम बाइंग प्लान कर रहे हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2750। बीच में जो आपका एक लेवल हो जाता है, अगर आपको जल्दी एग्जिट होने की, तो 2710 के आसपास आप फर्स्ट आपका फर्स्ट टारगेट मान सकते हैं, और 2750 को सेकेंड टारगेट मान सकते हैं। तो दोस्तों ये सब एनालिसिस है, अब आपको कैसे ट्रेड करना है, देखिए सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑन रिसीव, एवरीथिंग इज प्लान्ड हियर। अगर आप प्लान को आप फॉलो करते हैं, आप अपना या फिर इसको देख के आप अपना खुद का प्लान बनाते हैं, अपना खुद का रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट हमें बहुत अच्छे यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए PEL हो गया, इसके बाद चलते हैं दूसरा स्टॉक पिक ऑफ द वीक है DLF। अभी जो रियलिटी इंडेक्स के जो स्टॉक्स है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आगे भी उम्मीद है। DLF ने भी हायर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, 422 के ऊपर हम बाइंग प्लान कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 444, और वहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा होगा 410। ये हमारा DLF का प्लान। आपका जो लास्ट स्टॉक पिक ऑफ द वीक हो जाता है वो ZEAL। ZEAL में यहाँ पर मेरे पास सेल प्लान है। अगर ZEAL में क्या होता है, हमें ZEAL 319 के नीचे मिलता है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे बिलो 319। ओके, हम लोग सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ, आपका फर्स्ट टारगेट हो जाता है 295 और जो आपका सेकंड टारगेट हो जाता है यहाँ पर 280। तो दोस्तों ये था आने वाले वीक का प्लान, आपका स्टॉक पिक 3 था ZEAL। और आई होप आपको एनालिसिस पसंद आ रहा हो। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, और इस तरह बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस वीक अहेड।